हैप्पी होली टू ऑल। आप सभी को प्यार भरी रंगों भरी होली बहुत बहुत मुबारक हो। होली पे पापड़ तो सभी बनाते हैं और गाइस सबसे ज्यादा मुश्किल तो तब लगता है जब पापड़ को धूप में भरकर बनाना पड़ता है। तो आज मैं आपको ऐसी ट्रिक और ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आप बिना परेशानी के बहुत ही आसान तरीके से पापड़ बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप बिना मशीन के कितनी आसानी से बहुत सारे पापड़ बना सकते हैं एक साथ। तो चलिए देखते हैं कैसे। हाय गाइस, मैं हूं ज्योति और मेरे चैनल फन पुडिंग में आपका स्वागत है। तो आलू के पापड़ बनाने के लिए हमें आलूओं को बॉईल करना है और उनका मुंडन कर देना है, यानी कि उनके छिलके उतार देना है। और गाइस देखिए आलू टकले होकर कितने अच्छे लग रहे हैं। अब बारी आती है इन्हें मैश करने की। तो गाइस मैंने मैश करने के लिए आलू को कद्दूकस कर लिया है जिससे कि इसमें एक भी गुठली ना रह जाए, क्योंकि अगर आलू में गुठली रह गई तो आलू के पापड़ अच्छे से नहीं बनेंगे। ऐसा करने से आलू के पापड़ एकदम स्मूथ बेले जाएंगे। गाइस लोग कहते हैं ना हमने बहुत पापड़ बेले हैं, तो देखिए होली पर तो सभी पापड़ बेलते हैं। ये मैंने 3 से 4 किलो के आलू के पापड़ बनाए हैं। तो गाइस देखिए मैंने आलू को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। इसमें मैश करने में भी कोई परेशानी नहीं होगी और एक भी गुठली भी नहीं रहेगी। तो गाइस अब बारी आती है इसमें मसाले ऐड करने की। तो इसमें हमें ज़्यादा कोई मसाले ऐड नहीं करने हैं। इसमें मैं मिला रही हूँ 1 चम्मच जीरा, टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट, और थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए इसमें मैं थोड़ी सी लाल मिर्च भी ऐड कर रही हूँ। तो गाइस अगर आप ये पापड़ व्रत के लिए बना रहे हैं तो इसमें आप सेंधा नमक इस्तेमाल करें, और मिर्च अगर खाते हैं व्रत में तो मिर्च डालिए वरना नहीं। मैं तो ये पापड़ होली के लिए बना रही हूँ इसलिए मैंने इसमें मिर्च ऐड की है। तो चलिए अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो गाइस पापड़ बनाने के लिए मैं सरसों के तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप ये व्रत में बनाने वाले हैं तो आप इसमें रिफाइंड ऑयल का यूज करें। सबसे पहले सभी आलूओं की हम लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। हम लोई बनाकर अगर रख देंगे तो हमें पापड़ बनाने में बहुत आसानी रहेगी। तो देखिए गाइस मैंने लोइयां बनाकर रख दी हैं। चलिए अब बारी आती है पापड़ बनाने की। तो फ्रेंड्स क्या आपको मालूम है कि ये पापड़ मैं रात को बना रही हूँ और अपने घर के अंदर बना रही हूँ। तो मैंने फर्श पर एक साफ सुथरी पन्नी को बिछा कर रख दिया है। तो सबसे पहले हम पन्नी पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, उसके बाद अपनी आलू की लोई को हम इसके ऊपर रख देंगे। मैं आपको एक साथ 2 पापड़ बना के दिखाऊंगी। तो देखिए मैंने थोड़ी थोड़ी दूर पर पन्नी पर ऑयल लगाकर आलू की बॉल्स रख दी हैं। अब उसके ऊपर हमको दूसरी पन्नी को रखना है। अब किसी हैवी चकले या फिर प्लेट की सहायता से हम उसको ऐसे प्रेस कर देंगे। तो देखिए गाइस हमारा पापड़ कितना गोल गोल बना है। इसी तरह से हम सारे पापड़ बना लेंगे और वो भी बहुत ही आसानी से। देखिए गाइस अब पापड़ बनाना कितना आसान हो गया है। अब आप मिनटों में बिना किसी मेहनत के और बिना मशीन के बहुत आसानी से ये पापड़ बना सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये बिना धूप के पापड़ सूखेंगे कैसे, तो रुकिए मैं आपको बताती हूँ। तो गाइस जब ये पापड़ सारे बन जाएं तो आप फैन चलाकर रात में रख देंगे तो ये पंखे में ही सूख जाएंगे, और मॉर्निंग में आप इन्हें पन्नी सहित उठाकर धूप में रख दीजिए। इनको 1-2 दिन धूप में रखने के बाद ये पापड़ बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। तो गाइस आपको ये मेरा आसान सा तरीका कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। तो गाइस 3 से 4 किलो आलू के पापड़ बनाने में मुझे सिर्फ 15 से 20 मिनट लगे हैं। देखिए मैंने सभी पापड़ों को धूप में लाकर रख दिया है।
अब इनको सारा दिन की अच्छी धूप में हम सुखा देंगे। तो गाइस देखिए, धूप इतनी तेज थी कि एक दिन में ही पापड़ अच्छे से सूख गए हैं। तो चलिए अब मैं इनको फ्राई करके दिखाती हूँ। तो अब हम आ गए हैं अपने किचन में। तो मैंने पैन में ऑयल को गर्म होने रख दिया है। तो जब ऑयल गर्म हो जाए तो हम गैस की फ्लेम को सिम कर देंगे। पापड़ को तुरंत डालने के बाद चिमटे की सहायता से आप इसको निकाल लीजिए। देखिए हमारे पापड़ कितने वाइट वाइट और कितने सुंदर बने हैं। तो गाइस आपको मेरा ये तरीका कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब पापड़ बनाना कोई मुश्किल नहीं, बहुत ही आसान है। तो गाइस आप इस आसान तरीकों को ज़रूर अपनाकर देखें, इसे ज़रूर ट्राई करें, ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मुझे भी ज़रूर बताइए कि आपने इस तरीके से पापड़ बनाए कि नहीं। आज हम बनाएंगे बिल्कुल मार्केट जैसे कुरकुरे करारे आलू के चिप्स, बिल्कुल फटाफट इंस्टेंट चिप्स बनाएंगे। यकीन मानिए ये इतने टेस्टी हैं कि आप बस बनाते जाओ और खाते जाओ। इसकी आवाज से भी आपको आइडिया लग रहा होगा कि ये कितने क्रिस्पी हैं। और इस रेसिपी की खास बात ये है कि ना तो इसमें आपको आलूओं को बॉयल करना है और ना ही धूप में सुखाना है। तो आइए फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मार्केट से भी बेहतर कुरकुरे टेस्टी आलू के चिप्स, और वो भी मिनटों में बिना धूप के बिना बॉयल किए। ये बनाने में इतने इजी हैं कि इसे हर कोई बना पाएगा। ये सिंपल वही आलू हैं जो हम नॉर्मली घर के लिए यूज करते हैं। तो आलू के चिप्स बनाने के लिए आलू को करना होगा टकला। इन चिप्स को बनाने के लिए आपको ज्यादा मेहनत की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, और इसे बनाकर आप 2 महीने तक भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो सभी आलू तो टकलू हो गए हैं, तो चलिए अब हम इन्हें पानी में डाल लेते हैं। पानी में डालने से क्या होगा ना कि आलू जल्दी से काले नहीं पड़ते हैं। और अब हमें लेना होगा एक चिप्स कटर, और अब इस स्लाइसर की हेल्प से हमें आलू को स्लाइस में कट करना है। अगर स्लाइसर नहीं है तो आप इसे कैसे कट कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए स्लाइस को हमें ना ज्यादा पतला करना है और ना ही ज्यादा मोटा, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा भी आलू के चिप्स पतले होंगे तो ये फ्राई करते समय जल जाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको आलू को डायरेक्ट पानी में ही इसे काटना है। कई लोग चिप्स घर पर नहीं बनाते, वो मार्केट से लेकर आते हैं, तो उनके पास चिप्स कटर कहाँ से आए। तो अगर आपके पास चिप्स कटर नहीं है तो आप इस तरह से चाकू की हेल्प से भी पतले पतले स्लाइस काट सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, मेरे चिप्स ना तो ज्यादा पतले हैं और ना ही ज्यादा मोटे। अब आपको क्या करना है कि इस तरह से लेना है कोई भी कॉटन का कपड़ा, किचन टॉवल या फिर टिश्यू भी ले सकते हैं। अब सारे चिप्स को हम इस पर बिछा देंगे जिससे कि जो इसका मॉइस्चर है वो सारा एब्जॉर्ब हो जाए। इस तरह से हम इसे अच्छे से सुखा लेंगे। आप चाहे तो 10 से 15 मिनट के लिए इसे पंखे की हवा में भी सुखा सकते हैं। हमें इसे एकदम ड्राई करना है। अब पानी का तो इसमें कोई काम है नहीं, तो इसलिए आपको इसे बिल्कुल ड्राई करना होगा। अगर जितने आलू ड्राई होंगे चिप्स उतने ही कुरकुरे बनेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे आलू एकदम ड्राई हो गए हैं। तो चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ। अब यहाँ पर मैंने गैस पर कढ़ाई को रख दिया है और इसमें डाला है ऑयल। आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं। अगर आप ये व्रत के लिए बना रहे हैं तो आप जो व्रत में यूज करते हैं वही वाला ऑयल लीजिए। यहाँ पर ऑयल को हमें एकदम तेज गर्म करना है। देखिए चिप्स डालते ही ऊपर आ रहे हैं। अब यहाँ पर गैस की फ्लेम को भी मैंने बिल्कुल हाई किया है, क्योंकि जब हम इसमें चिप्स डालेंगे तो ऑयल का टेम्परेचर एकदम डाउन हो जाएगा।
अभी आप देख सकते हैं कि इसमें कितने बबल्स आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे ये आलू कुरकुरे होंगे तो ये अपने आप ही बबल्स कम हो जाएंगे, सारे बबल्स सेटल डाउन हो जाएंगे। अब आप इसे उलटते पलटते दोनों साइड से क्रिस्पी होने तक फ्राई करें। ये 100% यकीन मानिए कि इतने टेस्टी और कुरकुरे बनेंगे कि आपके बच्चे तो मार्केट से चिप्स लाना ही भूल जाएंगे। और देखिए बनाना भी कितना इजी है, ना इसे हमने बॉयल किया है और ना ही इसे धूप में सुखाया, मिनटों में ही आप मार्केट से भी बेहतर चिप्स बनाकर अपने बच्चों को दे सकते हैं। वो मार्केट में क्या मिलते हैं, 5-10 रुपए में हवा भरे हुए चिप्स, और यहाँ पर घर में आप सिर्फ 5 आलू से आप ढेर सारे चिप्स बना पाएंगे। अब जब भी आपका चिप्स खाने का दिल करे ना, तो मार्केट से ना लाकर आप इस तरह से ढेर सारे चिप्स बनाकर रेडी कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बबल्स कितने कम हो गए, इसका मतलब हमारे चिप्स कुरकुरे होने वाले हैं। और अब इस स्टेज पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इसे उलटते पलटते रहना है, वरना ये जल भी सकते हैं। तो देखिए हमारे चिप्स तो फ्राई हो गए, अब हम इसे बाहर निकालेंगे। आप देख सकते हैं कि एक सिंगल पीस भी इसका नहीं जला है, एकदम क्रिस्पी चिप्स बनकर रेडी हो गए हैं। और इसकी वॉइस से भी आपको आइडिया लग रहा होगा, और देखने में भी बिल्कुल मार्केट जैसे लग रहे हैं, बल्कि यूं कहिए कि मार्केट से भी बेहतर। अब जब मैंने ये चिप्स अपने घर में सबको खिलाया ना, तो वो तो बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहे थे कि ये मैंने घर में बनाया है। अब आप इसे चाहे व्रत में बनाएं या फिर होली पर अपने गेस्ट को खिलाएं, वो एकदम खुश हो जाएंगे, आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि इसे आपने घर में बनाया है। अब आपको धूप में बैठकर घंटों चिप्स सुखाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, अब आप घंटों का काम मिनटों में ही कर सकते हैं, वो भी बिना धूप के। और खास बात ये है कि आप इसे 2 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो गाइज आपको मेरी टेस्टी कुरकुरे क्रिस्पी आलू की चिप्स की रेसिपी कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मुझे आपके प्यारे प्यारे कमेंट पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। तो आइए अब बनाते हैं आलू लच्छा। तो लच्छा बनाने के लिए हमें आलू को करना होगा टकला। इस नमकीन को बनाने के लिए आपको ज्यादा मेहनत की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, और इसे बनाकर आप 2 महीने तक भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो सभी आलू तो टकलू हो गए हैं, तो चलिए अब हम इन्हें पानी में डाल लेते हैं। पानी में डालने से क्या होगा ना कि आलू जल्दी से काले नहीं पड़ते हैं। और अब हमें लेना होगा एक चिप्स कटर। आप सोचेंगे कि बना तो रही है लच्छे, तो ये चिप्स कटर क्यों, तो चलिए आगे देखते हैं। ये चिप्स कटर तो सभी के घर में होता है, तो अब इस चिप्स कटर की हेल्प से हमें सारे आलू के चिप्स काट लेने हैं। यहाँ पर भी आपको ध्यान ये रखना है कि आपको डायरेक्ट पानी में ही इसे काटना है। कई लोग चिप्स घर पर नहीं बनाते, वो मार्केट से लेकर आते हैं, तो उनके पास चिप्स कटर कहाँ से आए। तो अगर आपके पास चिप्स कटर नहीं है तो आप इस तरह से चाकू की हेल्प से भी पतले पतले स्लाइस काट सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, मेरे चिप्स ना तो ज्यादा पतले हैं और ना ही ज्यादा मोटे। अब आप क्या करिए कि इस तरह से 2-3 आलू को लेकर इस तरह से पतले लच्छों में काट लें। ये बहुत ही आसानी से इजीली सब आलू कट जाते हैं। आप इसे इस तरह से हाथ में लेकर भी कट कर सकते हैं, और अगर आपको ऐसा भी नहीं करना है तो आप ग्रेटर की हेल्प से इसे ग्रेट कर सकते हैं। और उसमें ध्यान ये रखना है कि आपको मोटे वाला ग्रेटर लेना है, जिसमें लच्छे ज्यादा बारीक ना निकले, क्योंकि बारीक लच्छों को फ्राई करने में और सिकुड़ जाते हैं और वो बहुत ही छोटे हो जाते हैं, तो उन्हें खाने में बिल्कुल मजा नहीं आएगा। यही कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप्स हैं जिनका यूज करके आप मार्केट से भी बेहतर घर पर आलू लच्छा बनाकर रेडी कर सकते हैं। अब हमें इसे अच्छे से वॉश कर लेना है ताकि इसमें जरा सा भी स्टार्च ना रहे। 2 से 3 पानी में अच्छे से वॉश करने के बाद हम इसे इस तरह से कपड़े पर फैला देंगे, क्योंकि लच्छे में जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो हमें नहीं चाहिए, तो इसलिए हमें ये प्रोसेस करना है। चाहे तो आप इसे कपड़े पर बिछाकर 5 मिनट के लिए पंखे की हवा में रख दें, जिससे कि इसका सारा मॉइस्चर सूख जाए। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको खास ख्याल रखना है। अगर आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए लच्छा बनाएंगे तो आपके लच्छे एकदम बेहतरीन बनेंगे। यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 ही आलू के लच्छे बनाए हैं, बाकी आलू के मैं चिप्स बनाऊंगी। तो आइए चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है। अगर आप इसे व्रत के लिए बना रहे हैं तो आप जो व्रत में ऑयल खाते हैं आप उसी का यूज करें, और अगर आप इसे नॉर्मल डेज के लिए बना रहे हैं तो आप इसे किसी भी ऑयल में फ्राई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं लच्छों को डालते ही ऑयल में बबल्स आने स्टार्ट हो गए हैं, इसका मतलब हमारा ऑयल एकदम अच्छे से गर्म है
और इसी गरम तेल में आपको इसे हाई फ्लेम पर फ्राई करना है और इसे बीच बीच में इस तरह से उलटते पलटते रहें जिससे कि एक साइड से कहीं ये जल ना जाए। और हमें इसे तब तक फ्राई करना है जब तक इसके जो बबल्स हैं वो कम ना हो जाएं। आप देख सकते हैं कि बबल्स एकदम कम हो गए हैं, इसका मतलब हमारे ये लच्छे क्रिस्पी हो चुके हैं। आप चाहें तो इसकी क्रिस्पीनेस चेक करने के लिए आप इसे तोड़ के भी देख सकते हैं। इसके टूटने से ही आप इसका आइडिया लगा सकते हैं कि कितने क्रिस्पी हैं। तो चलिए अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। अब जब भी आपका कुछ क्रिस्पी खाने का मन करे तो आप इसे मिनटों में बनाइए और गर्म गर्म चाय के साथ इसे सर्व करें। यही नमकीन जब आप मार्केट से लेने जाएंगे तो आपको कितनी महंगी मिलेगी। तो देखिए गाइस, आप इसकी आवाज से ही आइडिया लगा सकते हैं कि ये कितनी क्रिस्पी बनी है। अब लच्छे तो बनकर रेडी हो गए हैं, अब इसे बिल्कुल मार्केट जैसा लुक देने के लिए हम इसमें कुछ मूंगफली भी फ्राई करके मिलाएंगे। तो चलिए, हमारा ऑयल तो एकदम गर्म है तो उसी गर्म ऑयल में हम मूंगफली भी फ्राई कर लेते हैं और इसके साथ ही मैंने डाले हैं कुछ कड़ी पत्ते। क्योंकि हमारा ऑयल एकदम गर्म है तो इसे फ्राई होने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो आइए अब हम इसे भी लच्छों के साथ ऐड कर देते हैं और अब इसमें मिलाएंगे सेंधा नमक। आप चाहें तो इसका टेस्ट और बढ़ाने के लिए इसमें चाट मसाला और मिर्च भी डाल सकते हैं। क्योंकि ये हम व्रत के लिए बना रहे हैं इसलिए हम इसमें सिर्फ सेंधा नमक ही ऐड करेंगे। अब वैसे भी होली का फेस्टिवल आने वाला है, आप चाहें तो इसे मेहमानों को भी खिलाकर उन्हें खुश कर सकते हैं। जब आप इसे अपने गेस्ट को खिलाएंगे ना तो वो तो बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर पाएंगे कि इसे आपने घर में बनाया है। इतने सारे लच्छे और वो भी सिर्फ तुरही आलू से, तो है ना कितनी क्रिस्पी, बिल्कुल मार्केट जैसी, या फिर यूं कहिए कि मार्केट से भी बेहतर। तो गाइस, आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।